सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड बढ़िया रहे। सो गाइस, आज अपने पास न्यू बाइक एसपी शाइन 125 जो कि अपने भाई लेके आए थे पंकज भाई, पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा मैंने बोला था। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को इसी बाइक का रिव्यू देना चाहता हूँ भाई, कैसी बाइक है। दिखने में तो अच्छी है, 125 है, जैसे अपनी डेविल भी 125 का है और ये भी 125 की है, ड्रैग रेस भी आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका मीटर दिखा देता हूँ भाई, मीटर कैसा है। फुल्ली एलईडी मीटर गाइस, देखो मतलब स्टैंड का भी आता है और गियर भी दिखते हैं अपने डेविल के अंदर, ये सिस्टम नहीं है लेकिन गियर दिखते हैं, टाइम दिखता है, किलोमीटर तो वैसे ही सब के अंदर दिखता है। तो अभी मैं आपका इसको पूरा रिव्यू बताने वाला हूँ। एंड गाइस, इसकी हेडलाइट है भाई पूरी एलईडी लाइट है, हेडलाइट चेक करो आप, एलईडी हेडलाइट है। और अपने एनएस के अंदर वो हेलोजन वाली बल्ब है, ये भी इसके अंदर डिफरेंट है। और ओवरऑल इसका मतलब लुक देखा जाए तो लुक काफ़ी अच्छा है। इसके पीछे के टायर कम है वैसे, मतलब इसका रेयर टायर की साइज़ है गाइस 8017 और फ्रंट वाले की भी सेम है। तो इसके अंदर भाई मुझे लगता है दोनों टायर सेम है। और इसके ऊपर हम लोग लीन इन करने का अगर ट्राई करें तो लीन इसके ऊपर काफ़ी मतलब बुरा हो सकता है, हम गिर सकते हैं। और पीछे की बात करें तो इसके पीछे भी मतलब एलईडी लाइट नहीं है, ये तो अपने हेलोजन नॉर्मल लाइट है। इसके इंडिकेटर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड इसकी क्वालिटी चेक करते हैं भाई कैसा है, ठीक ठाक है वैसे तो, अच्छा है मतलब। और इसके अंदर आप लोगों को देखने मिल जाता भाई पावर कट बटन, मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस, मैंने इसको कर लिया न्यूट्रल भाई और दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब इसके अंदर तीनों सिस्टम एक साथ है, बंद मतलब यहाँ नीचे करो फिर इसको दबाए रखो, सेल्फ लग जाता, बाइक स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर ही अपना कट हो जाता, पावर कट हो जाता है। तो ये मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि अपने एनएस के अंदर आता है वैसा इसके अंदर है। और इसका मैं आपको टेस्ट राइड लेके भी दिखाऊंगा भाई कैसा फील आता है इसका टेस्ट राइड लेके। साउंड सुन लेते हैं इसका सबसे पहले तो एक बार। सो गाइस, साउंड की बात करें ना तो मतलब इसके अंदर एकदम अपना साउंड बहुत कम है, मतलब कि साउंड के लिए नहीं है, एकदम साइलेंट बाइक है। इसके अंदर अपने को साथ में मिरर भी मिलते हैं, दो मिरर जो कि अपने को मिला था। और सबसे बड़ी बात इसके रियर में है डिस्क ब्रेक बिना एबीएस के, एबीएस अपनी बाइक में भी नहीं है तो एबीएस इसके अंदर भी नहीं है, बिना एबीएस के इसके अंदर अपने को मतलब डिस्क ब्रेक मिलता है। और पीछे ड्रम ब्रेक ही है इसके अंदर, और देखें तो मतलब दोनों के दोनों नॉर्मल सॉकर ही दिए हैं, जैसे कि अपनी स्प्लेंडर और डिलेक्स के अंदर मिलते हैं नॉर्मल सॉकर है। इसके अंदर मोनोसॉक सस्पेंसर नहीं है, यहाँ पर अपने को एसपी 125 लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पर होंडा का लिखा हुआ, होंडा की बैजिंग मिल जाती है। सो गाइस, मुझे पंकज ने बताया था भाई इसका ब्रेक इतना खास नहीं है, मतलब रेयर ब्रेक खास नहीं है और इसके ऊपर लीन नहीं हो सकता, तो हम लोग नॉर्मल काम के ले सकते हैं। अगर हम लोग स्पोर्ट्स बाइक ले रहे तो एनएस ले लो 125, लेकिन अपने नॉर्मल बाइक चाहिए फैमिली के लिए तो ये बेस्ट है। सो गाइस, जैसा कि अपने को एक चीज़ और देखने को मिली वो है कि इसके अंदर लगा रखा है यूएसबी चार्जर, जो कि लगवा रखा है, आता नहीं है कंपनी से लेकिन। सो गाइस, वहाँ से कोई मतलब प्रॉब्लम होगी थी तो हम दूसरी जगह आ चुके हैं, तो पंकज बताएगा भाई इसको इस बाइक में क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा है ना। तो आओ भाई इधर आइए अपने, तो ऐसी कौन सी अच्छी बात है जिससे इसको लेना चाहिए? पिकअप एक नंबर है। सो गाइस, पिकअप बहुत अच्छा है, वीली वीली अच्छी लगती है, उठ जाती है इसके ऊपर जी। और बताइए और इसके अंदर क्या अच्छा है, मतलब जो लेनी चाहिए अच्छा लगा इसके फीचर, ये जो यहाँ की चीज है। एक मिनट, आप वाइजर को खोल के बात करोगे, आवाज नहीं आती है जी सर। हाँ, क्या फीचर्स एक नंबर है इसके अंदर है ना, एक नंबर पिकअप, एक नंबर पिकअप भी अच्छा, फीचर्स भी अच्छे, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही गाइस, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बाइक को गोल गोल घुमाया तो धुआं धुआं हो गया। तो मैंने पहले बताया था भाई इसके अंदर एलईडी मीटर मिलता है अपने लोगों को देखने के लिए, और ऐसा क्या है जिससे इसको नहीं लेनी चाहिए? एक तो ये साला टायर टायर को लात मारते हुए बता रहा है, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा पतला है यार। और इसका वेट वेट काफी ज्यादा या काफी कम है यार? वेट तो सही है यार, ठीक है ना, उसमें कितना ज्यादा है ये देखो, उसमें ज्यादा है, उससे ज्यादा तो मतलब नहीं है लेकिन उससे काफी ज्यादा हल्की है ये, हल्की है, व्हील इसलिए इसके ऊपर अच्छी होती है इसलिए उसके ऊपर व्हील नहीं होती है। और इसके ब्रेकिंग के बारे में कुछ बताएंगे आप? ब्रेक भाई साहब, ब्रेक काफी अच्छा है, इसके ब्रेक एक नंबर है, उसके मतलब उसके तरह है सेम ब्रेक। ब्रेक गाइस अच्छा, मैंने इसको राइड किया, ब्रेक एक नंबर है। और आगे का डिस्क ब्रेक के बारे में कुछ बताना चाहोगे? डिस्क ब्रेक यार फिलहाल मेरे को लगता है कोई पैड इतना खास नहीं है, मतलब इसके ऊपर स्टॉप ही होती भी नहीं है, स्टॉप ही नहीं होती है, और ये यहाँ पे मतलब रबड़ के लगा रखे तो अच्छे से दबते भी नहीं है ब्रेक पे, और टायर भी थोड़ा बहुत स्किट हो जाता है इस पे, पतला भी है ना इसलिए पतला यार। और ये आज का रिव्यू।
कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, और कुछ चीज़ें जाननी हो तो कमेंट कर लेना, इंस्टा पे मैसेज कर लेना, हम वहाँ पर बात कर लेंगे। मिलता है कैसे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।